हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर खान आरके म्यूजिक एकेडमी गोमो से। पहले तो आप लोग को मैं थैंक यू कहूँगा, और क्योंकि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किया, व्यूज़ बढ़ाया हमारा, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग का मैं ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए नागिन का पैच, नागिन जो सॉन्ग है वगैरह है, तो आप जानते हैं बैंड वगैरह में बहुत सारा चलता है, नागिन का धुन बजाता है, तो उसमें क्या बजेगा। ठीक है, मैं बजा रहा हूँ और बाकी सब पैच आस्ते आस्ते दूंगा। ठीक है, ओके गाइस, तो रेडी हो जाइए। तो आज मैं वैसा म्यूजिक तो मैं बजाता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारा देखते हैं अलग से म्यूजिक दे रहे हैं, पैड में भी म्यूजिक बजा रहे हैं नागिन के, वो वाला मेरा हिसाब नहीं है। मैं सिर्फ ऑक्टो पैड में जो पैच बजेगा वो मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको वो नहीं बताता हूँ कि उसमें भी लगा दिए गिटार के साथ ऑर्गन का सेट कर लिए टा डा 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 डा, वो वाला हिसाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपको स्टेज में वो काम नहीं आने वाला। स्टेज पे आपको काम आएगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़। ठीक है, वो ऑर्गन वाला काम है, वो अपना बजा लेगा। ठीक है गाइस, तो रेडी हो जाइए। तो मैं मुँह से ही आप गुनगुना के थोड़ा बुरा हल्का फुल्का मैं आपको बता देता हूँ। ले पहले मैं बजा के दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको इंस्ट्रूमेंट पहले बता देता हूँ मैं क्या क्या लगाया हूँ। ठीक है, इस जगह में बेस लगाया हूँ और घुंघरू का आवाज है, बेस और घुंघरू का आवाज है। यहाँ पे मैं तबला का लगाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं तबला का साउंड लगाया हूँ। ठीक है, तबला और प्रकर्शन का आवाज है। ठीक है, यहाँ पे मैं चुन्ना का आवाज लगाया हूँ, तबला का चुन्ना है और आपका घुंघरू का आवाज है हल्का सा। यहाँ पे मैं हाई छोटा एच का जो 27 है छोटा स्नेयर लगाया हूँ। ठीक है, और तबला का भी आवाज है, देख रहे तबला का आवाज है, स्केल सेट किया हुआ तबला में, यहाँ पे तबला है। इस जगह में मैं क्लैप और बेस का यूज किया है, यहाँ पे गुप्पी और प्रकर्शन का यूज किया हूँ, यहाँ पे जैस और बेस का यूज किया हूँ, जैस और बेस का, यहाँ पे टॉम का यूज किया हूँ, टॉम और घुंघरू का आवाज। ठीक है गाइस, समझ में आ गया सबका, मैं बता दिया हूँ, अगर जो नहीं समझा वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा गुनगुना के बजा के दिखा देता हूँ। ठीक है, नागिन पिच। सिंपल मैं बजा रहा हूँ, इसको फास्ट नहीं किया हूँ, सोलो में है। क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सोलो और करता हूँ। यहाँ पे 1, यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। ठीक है, ये कहरवा का बोल हो गया, धागे ना तीना कधी ना, धागे ना तीना कधी ना, धागे ना तीना कधी ना, इसको बोल में हम 8 मात्रा कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 के बाद यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, 7 8। ओके, अब इसको हम बजाएंगे अब यहाँ पे फास्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ बोलते हैं दुगुन कैसे होगा, अब चिकड़ाक कैसे होगा। अब क्या बज रहा, वही चीज है जो बताया था, वही चीज बस, इसको मैं ये घर छोड़ दिया हूँ। अब यहाँ से लेता हूँ 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये घर से यहाँ आना, ये घर से वापस यहाँ आना, पहले यहाँ से यहाँ ऐसे आते थे, अब ये घर से यहाँ आना, ये घर से यहाँ जाना। ठीक है, ये घर से यहाँ आना, ये घर से यहाँ जाना। ओके, कंटिन्यू। ठीक है, आया अब ये यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ आएगा, ये जब घर में आएंगे आप तो इस घर के बाद यहाँ पे आना है, और इसके लगा जैसे यहाँ पे आए समझ लीजिए कि यहाँ पे आना है। एक बार यहाँ से नीचे आना, एक बार यहाँ से ऊपर जाना, एक बार यहाँ से आएंगे यहाँ नीचे, आप इसको जितना भी फास्ट कर सकते हैं। अब टॉम का यूज क्या है, सिंपल ढका 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 ढका। ठीक है, ओके गाइस, समझ में आ गया। अब ये हो गया आपका तबला के साथ
का नागिन का बजाना है कि जैसे ढोलक वाला अगर हल्का फुल्का ढोलक वाला कम बजा रहा है तो आप तबला का टोन लगा सकते हैं। और देख रहे ढोला का तबला आपके पास दिया हुआ ऑलरेडी हैंड्स है तो आप ये आप यूज कर सकते हैं कॉन्गो में, ठीक है। वही वही पीट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7। वही बहुत कोई ये भी यूज करते हैं कैटल के साथ। क्या यहाँ पे बेस परकर्सन कैटल परकर्सन ये स्नेयर छोटा वाला कॉन्गो वही वही 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 वही है। क्या है कट 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है अगला पार्ट के बहुत सारा गाना में आप इसको चगुन दुगुन का यूज कर सकते हैं। ये कहरवा पैच में कोई भी कहरवा का जो चलन चलेगा दुगुन चिकटक जो गाना चल रहा है, ठीक है आप इसको इस पैच को अगर आंखों का कागज जैसा गाना हो गया आंखियों का मतलब फास्ट बीट में जो भी आप यूज कर सकते हैं ये पैच को, ठीक है। बेस है परकसन है कैटल है स्नेयर छोटा वाला है, ठीक है कोंगो है या टॉम है ये दोनों टॉम है, ठीक है कोंगो है बेस परकसन परकसन देखिए कैटल छोटा परकसन का ही है क्या वाला छोटा है कोंगो टॉम टॉम इसलिए वो ये जा एकदम धीरे धीरे थोड़े आदमी लोग बजा लेगा। ओके गाइस तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाते रहिए कि अब मेरा वीडियोस आते रहेगा। ओके अब मेरा वीडियो हमेशा मिलेगा आपको तो थैंक यू गाइस।